आज का जो वीडियो रहेगा ये देखने के लिए रहेगा कि अष्टकवर्गा अप्लाई करने के बाद हम कैसे जानेंगे कि आज हम किस डायरेक्शन में ज़्यादा कामयाब रहेंगे, या आज के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन लकी रहेगी और कौन सी डायरेक्शन नहीं लकी रहेगी। इसके लिए अंत तक बने रहिए। प्रेडिक्शन एंड वंडर्स ऑफ अष्टकवर्गा, इसका हेडिंग है प्रेडिक्शंस एंड वंडर्स ऑफ अष्टकवर्गा। नाउ इट्स अ टाइम फॉर रिलैक्स एंड टू गो इन फॉर प्रेडिक्शंस। द एसएवी एंड द बीएवी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर प्रेडिक्शंस। आपको मालूम है कि सर्वाष्टक अष्टकवर्गा और भिनाष्टक अष्टकवर्गा को हम प्रेडिक्शन में यूज करते हैं। लेट अस फर्स्ट टेक अप सम ईजी एंड सिंपल प्रेडिक्शंस बिफोर गोइंग इन टू कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। सबसे पहले हम बहुत ही आसान सी प्रेडिक्शन करते हैं, बाद में हम देखेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स पे कैसे बात करनी है। सीक्रेट रिवेल्ड नंबर वन, पहला सीक्रेट क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा घंटा एक दिन में आपके लिए अच्छा है, इसका बेस क्या होगा। आई एम टेकिंग ए न्यू एग्जाम्पल फॉर सन ऐसे सन भिनाष्टक अष्टकवर्गा। सूर्य के जो भिनाष्टक अष्टकवर्गा है उसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस नेटिव इज पाइसिस लग्ना, इस नेटिव का जो लग्न है वो पाइसिस है, एंड हिज और हर सन इज इन जेमिनी। इस हॉरोस्कोप में जो सूर्य है वो जेमिनी साइन में है। After thoroughly understanding the methodology of my working, prepare the calculation for the birth chart and keep it in your shirt pocket permanently. मेरे अच्छे से मेरे जो थ्योरी मैंने दी है इसको अच्छे से अध्ययन करो और एक चार्ट बनाओ, उसको जेब में रखो। You can act every day based on above working. आप इस तरह से काम करके डेली आपकी वर्किंग इस तरीके से ले सकते हैं। बट मेक श्योर दैट द सन बीएवी इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन इस बात के लिए आपको गारंटी करनी होगी कि जो सूर्य के भिनाष्टक वर्गा आप ले रहे हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है और प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट डाल के ही आप भिनाष्टक वर्गा बना रहे हैं। इफ सन भिनाष्टक वर्गा इज करेक्टली प्रिपेयर्ड, सक्सेस ऑफ दिस मेथड इज 100%। ऑथर बोलता है कि यदि सूर्य का भिनाष्टक वर्गा कैलकुलेशन ठीक है तो मेरा फार्मूला 100% ठीक है, एप्लीकेबल है। तो इसके लिए आजकल तो सॉफ्टवेयर का जमाना है, भिनाष्टक वर्गा गलत कैलकुलेट होने की गुंजाइश ही नहीं है। अब साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में देते हैं, लगना पाइसिस है। आप मालूम है साउथ इंडियन कुंडली में ये जो कोना होता है लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट अपर कॉर्नर, ये पाइसिस साइन को परमानेंट दिया जाता है और राइट कॉर्नर जेमिनी साइन को दिया जाता है। उसने बोला कि सूर्य जो है जेमिनाइन साइन में है। ठीक उसी तरीके से यदि हम एक कालपुरुष की कुंडली को उन्होंने बनाया हुआ है उधर, उसमें पाइसिस साइन में लगन को डाल दिया है और जो सूर्य को तीसरे घर में नेचुरल जेमिनी साइन में डाल दिया है। उसके बाद इन्होंने द प्लेसमेंट ऑफ सन इज नोटेड एज सनराइज, सूर्य आपके शहर में कितने बजे निकलता है उसको सनराइज का समय जो होता है उसको ही यहाँ केंद्र बिंदु माना जाएगा। इन नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे इन्होंने समझाने के लिए 6 बजे को सूर्य का सनराइज माना है। If your place is different, you have to recalculate accordingly. यदि आपके शहर में सूर्य 6 बजे की जगह 5:30 बजे निकलता है, 6:15 बजे, 6:30 बजे निकलता है, तो आप उसी तरीके से इसको ले सकते हैं। If your place is different, you have to calculate it accordingly. Now we have to prepare ready rector table, which is very easy to do. अब हम एक ready rector बनाएंगे पूरे दिन का और उसको स्लिप को अपने जेब में रखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कौन सा घंटा अच्छा है कौन सा बुरा है। वो रेडी रेकनर बनाने के लिए इस टेबल का सहारा लिया जाएगा। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप
किसी एक हॉरोस्कोप पे, आप में से किसी की एक हॉरोस्कोप में लगा के दिखाऊंगा। अब यहाँ लिखते हैं सबसे पहले जेमिनी। जिस राशि में सूर्य सुबह होता है वो सनराइज टाइम होता है, वही से हम शुरू करेंगे एट द टाइम ऑफ सनराइज। इन्होंने सूर्य को सनराइज टाइम 6 बजे माना है। यदि आपके शहर में 6:15 पे निकलता है, हम 6:15 को लेंगे। 6:20 में निकलता है, 6:20 से लेंगे। और एक राशि का समय 1 घंटा माना गया है, एक राशि का समय 1 घंटा माना गया है। पूरे 12 घंटों में पूरी 12 राशियां आपके सामने आ जाएंगी। अब इसका लिंक होगा आपके विनाष्टिक वर्गा पे SAB, सूर्य का BAB, सूर्य का BAB, सूर्य का विनाष्टिक वर्गा आपके चार्ट का लिया जाएगा, उसके लिहाज से इसका वर्णन होगा। वो कैसे होगा, इस चार्ट में चलते हैं, इस चार्ट को लेते हैं। इस चार्ट में जेमिनी साइन जो है वो सूर्य का लग्न था, जिस दिन का कैलकुलेट किया गया है। सनराइज सूर्य का था, 6 बजे सूर्य निकला था। हमने जेमिनी साइन लिया है, जेमिनी साइन में इन्होंने 5 नंबर दिए हैं सूर्य ने। अब देखो जेमिनी साइन सुबह 6 से 7 बजे तक 1 घंटा 5 पॉइंट दे दिए। कैंसर साइन को इन्होंने 3 नंबर दिए हैं, देखो कैंसर साइन है, इन्होंने 3 नंबर दिए हैं। और लियो साइन को इन्होंने 4 नंबर दिए हैं, ठीक इस तरीके से कैंसर साइन को 3 नंबर, लियो को 4 नंबर, फिर वर्गो को 5, लिब्रा को 2 नंबर। देखो वर्गो को 5, लिब्रा को 2 नंबर दिए हैं, ठीक इस तरीके से स्कॉर्पियो को 3, सेजिटेरियस को 6, स्कॉर्पियो को 3, सेजिटेरियस को 6, इसी तरह कैप्रिकॉर्न को 4, एक्वेरियस को 3, कैप्रिकॉर्न को 4, एक्वेरियस को 3, ठीक है, इस तरीके से दिए हैं नंबर। फिर पाइसिस को इन्होंने 3 नंबर दिए हैं, एरीज को 5 दिए हैं और टॉरस को भी 5 दिए हैं। ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे, पाइसिस को 3 दिए हैं, एरीज को 5 दिए हैं, टॉरस को 5 दिए हैं। अब यहाँ सबसे बढ़िया समय इनका कौन से गुजरने वाला है तो वो देखते हैं। जैसे कहीं 6 नंबर भी दिए हैं, 6 नंबर मैक्सिमम है दिए फास्ट, ये 12 से 1 बजे तक का समय है। और उसके बाद 5 नंबर दिए हैं, एक तो सुबह 6 से 7 बजे के समय को दिए हैं, शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक, 5 से 6 बजे तक। ये 3 राशियों को इन्होंने 5 नंबर, वर्गों को भी 5 नंबर दिए हैं। इसका मतलब ये दिन भी आपका अच्छा जाने वाला है। या ऑथर क्या बोलता है, द सनराइज शुड बी अकॉर्डिंग टू योर सिटी लोकेशन, यू कैन मेंटली अलर्ट योर बेस्ट टाइम इन ए डे और वर्स्ट टाइम इन ए डे फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। इन दिस एग्जाम्पल एवरी डे फ्रॉम 12 noon to 1 PM द एग्जाम्पल नेटिव विल बी वेरी सक्सेसफुल। सूर्य जब तक इस साइन में 1 महीना रहेगा, सनराइज टाइम ये रहेगा, तो 1 महीने तक 12 बजे से 1 बजे तक का समय उसका गोल्डन पीरियड होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम नेटिव मे अटेम्प्ट ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी विल एंड अप टू सक्सेस, अप इन सक्सेस। सिमिलरली द नेटिव विल हैव बैड टाइम During 10 hours to 11 hours, because 10 to 11 hour में उसने 2 नंबर दिए, वो बैड टाइम होगा उसका। ठीक इसी तरीके से हम बाकी का भी देखेंगे। सपोज दिस नेटिव इज समंड बाई द बॉस बिटवीन 10 to 11। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, सपोज करो इसके बॉस ने कहा है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे पास आना भाई, तो इसको मालूम होना चाहिए कि 10 से 11 में सूर्य ने 2 नंबर दिए हैं। बॉस तो झाड़ेगा, बहुत बुरी तरह पड़ जाएगा, इंसल्ट करेगा, जो भी उसको पुनिश कर देगा, जो भी वो बुरा कर सकता है मेरा कर देगा। अब जानते हुए आप इसको बहुत आसानी से टैक्टफुली अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने बॉस को बोल सकते हैं कि सर ड्यूरिंग दिस टाइम आई एम ऑफुली बिजी, काइंडली अलाउ मी टू अपीयर बिफोर यू आफ्टर 12। आपको 12 बजे, जब 12 बजे के बाद जब मिलेंगे, जब बॉस ने यहाँ पे 5 नंबर दिए हुए हैं, तो एवरीथिंग विल बी गोइंग टू इन योर फेवर। 12 बजे से 13 बजे 6 नंबर दिए हैं, देखो 6 बजे 1 घंटे का 6 नंबर दिए हैं 12 बजे से 1 बजे तक। इस समय तो नेटिव आपके
आपसे जो पूछेगा यदि गुस्सा भी होगा तो ढल जाएगा, आपकी पोजीशन को वो समझेगा, आपकी परेशानियों को समझेगा, किसी ने उस आपकी चुगली लगा दी होगी तो भी उसको समझ आ जाएगी कि उसने चुगली लगाई है, वो आपकी बात सुनेगा, आप अपना पक्ष रख सकेंगे और बात आपके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। और इसी तरीके से हम यदि सिंसियरली ट्राई करें, पाँच नंबर भी ज़्यादा नहीं होते लेकिन पाँच नंबर चार से ज़्यादा होते हैं, चार नंबर एक मीडियम रेंज है, जीरो से आठ तक नंबर मिलते हैं, जो आठ हैं सबसे बढ़िया नंबर होते हैं, यदि किसी के बीएबी में सूर्य ने आठ नंबर दे रखे हैं दैट आवर विल बी फुल ऑफ अचीवमेंट्स, वहाँ पे आप सरकार पक्ष से, बॉस से, पिता सूर्य होता है पिता से, या एनीबॉडी इन अथॉरिटी अच्छी फेवर ले सकते हैं। जबकि दो नंबर जो हैं वर्ष हैं, एक नंबर वर्ष है, तीन नंबर भी वर्ष ही है, चार नंबर में कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा डिपेंड करेगा और ट्रांजिट कैसा है। लेकिन जब आठ नंबर हैं कोई और थोड़ा बहुत ट्रांजिट बुरा भी चलता होगा उस समय भी चीज़ें इतनी बुरी नहीं होंगी। इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। फिर यदि आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार दिन का तो हो गया, मुझे तो किसी को रात को आठ बजे मिलना है, वो समय मेरे कैसा होगा, वो मैं कैसे देखूँगा, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, लगन पे क्षितिज पे जब सनराइज होता है तो जो राशि में सूर्य होता है वो एट द टाइम ऑफ सनराइज होता है, जब राशि उसके बिल्कुल सामने वाले साइन सातवें घर में पहुंचती है, सातवें घर में जो राशि पड़ी होती है उस समय सूर्य छिपने का समय होता है। तो उस समय सपोज करो आपका सूर्य एरी साइन में निकला सुबह, तो आप जरूरी है कि जब रात का देखना है तो आप स्टार्ट करेंगे लिब्रा से। ठीक इसी तरीके से जो ये एग्जांपल है इसमें तीन नंबर साइन से शुरू हुआ था, तीन नंबर साइन से हमने देखा था, जो तीन नंबर के साइन के सामने हम देखते हैं तो बड़ा सिंपल है कि सेजिटेरी साइन आता है, और रात के लिए हम सेजिटेरी से शुरू करेंगे। ठीक सेजिटेरी से शुरू करते हुए उसी तरह ये देखा जाएगा, ये सन विनाष्टक वर्ग हम देखेंगे, सेजिटेरी से शुरू किए शाम को छः से सात, सेजिटेरियस को छः नंबर हैं, कैप्रिकॉन को चार हैं, एक एक घंटे का समय है, छः से सात छः, सात से आठ चार, अकेरीज को आठ से नौ है तीन है, पाइसिस को भी जो नंबर है नौ से दस तीन है, एरीज को दस से ग्यारह पाँच हैं, टॉरस को ग्यारह से बारह पाँच हैं, जेमिनी को बारह से एक पाँच हैं, तो कैंसर में एक से दो हैं तीन हैं, दो से तीन चार हैं, लियो को वर्गो को तीन से चार पाँच हैं, और लिब्रा चार से पाँच तक दो नंबर लेके बैठी है, स्कॉर्पियो पाँच से छः तीन नंबर लेके बैठी है, जो लोग नाइट अभी दो नंबर दो एक मिनट अभी जो लोग रात को काम करते हैं, फॉरेन क्लाइंट से बात करते हैं, इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनको ये देखना बहुत अच्छा लगता है, किसी को रात को सपोज करो नींद नहीं आ रही है, किसी को ऐसी बीमारी है कि रात उसको नींद नहीं आती है, परेशानियाँ आती हैं, तो ऐसे समय में उनको चाहिए कि जो सिलेक्ट कर लें समय जो अच्छा है उसमें उनको सो जाना चाहिए ताकि दे कैन एंजॉय डीप स्लीप। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि अष्टक वर्गा पे आपको आने वाली वीडियोस समय पे पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच।